सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग हर दिन आपके लिए एक न्यू वीडियोस लेकर आ रहे हैं, उसी तरह दोस्तों आज हम लोग फिर आपको स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल पर। और चलिए जानते हैं दोस्तों, आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, अक्सर आप लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी उसे देखते होंगे। चलिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपको आज उसकी फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरह यूजेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसकी प्राइस है, क्या उसकी वार्निंग है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने नाम पढ़ सकते हैं आपके लिए ये मेडिसिन का। इस मेडिसिन का नाम है कॉम्बीफ्लैम। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बीफ्लैम टैबलेट। यहाँ पर बहुत अच्छे से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कॉम्बीफ्लैम, सामने से भी दोस्तों आप देख सकते हैं ये, आप ये सिल्वर कलर का सामने से रहता है दोस्तों इस मेडिसिन के। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कॉम्बीफ्लैम। इसके यूज़ क्या है दोस्तों, आपको इसके यूज़ फीवर, टूथएक, कोल्ड, स्टफनेक, ब्लड डिसऑर्डर, मिग्रेन और बुखार, दांत दर्द, सर्दी, खूनी विकार, आधे सिर दर्द इसमें होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप ले सकते हैं, आपको टूथएक है आप ले सकते हैं, आपको सर्दी हुई है ले सकते हैं, आपके नेक में कुछ दर्द हो रही है, आपके आपको अगर ब्लड कहीं पर आपके कुछ हो रहा है, डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, तो तब भी में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, मुझे पता है, मैंने ये मेडिसिन को इसीलिए तभी मैं आपको बता रहा हूँ। साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ है दोस्तों, रैसेस, एनीमिया, नौशिया एंड माउथ अल्सर, ईचिंग। आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, आपको फुंसी हो सकती है, रक्त क्षय हो सकता है, मतली मीन्स उल्टी आपको हो सकती है, या मुख फोड़ा या खुजली भी आपको होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट यही है दोस्तों। डोजेस, इसकी डोजेस की बात करें तो दोस्तों आप इसे जो है एक टैबलेट कर दिन में 3 बार लें। हाँ दोस्तों, 3 times pills इन आफ्टर योर मील्स आपको ये टैबलेट लेना है, एक गोली करके 3 बार अपने खाने के बाद। और दोस्तों इसको आपको एक बात याद रखना है, आपको इससे ज़्यादा ओवर डोजेस नहीं लेना है, ओवर डोजेस आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 week, उससे ज़्यादा आप ना लें, ओवर डोजेस आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों रही इसकी प्राइस की बात, तो आप इसे 34 rupees में आपको पूरा ये मिल जाता है। एक पीस का इसका दाम 2 rupees कर पड़ता है। और आपको ये मेडिसिन, आपको हर एक मेडिसिन शॉप पर अवेलेबल है, आप कहीं भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी कुछ वार्निंग भी है, इन द केस ऑफ द अस्थमा यू शुड बी अवॉइड दिस मेडिसिन। हाँ दोस्तों, अगर आपको अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। और दोस्तों दूसरा ये है कि दिस मेडिसिन शुड बी अवॉइड बाय द पेशेंट हु सफरिंग फॉर द किडनी एंड लिवर डिसीज। अगर आपको यकृत प्रॉब्लम है, आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपको ये मेडिसिन नहीं लेना है। और अगर लेना भी हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन ले, क्योंकि इससे आपको बहुत ही भयानक परिणाम भी हो सकते हैं अगर आप ये प्रॉब्लम से ग्रसित है। आई होप दोस्तों आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग इसी तरह आपके लिए हर दिन एक नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।